नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विकास जांगिड मैथ्स विद पीके में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने निखिलम विधि से भागफल करना सीखा था। आज से निखिलम विधि की अगली विधि जो भागफल की है, प्रावर्त्य आयोजित विधि, उस विधि से हमें भागफलना देखते हैं। तो चलो देखते हैं वैदिक मैथ की दूसरी विधि प्रावर्त्य आयोजित। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 1154 भाग 103। देखो निखिलम विधि में क्या करते थे हम, निखिलम विधि में जो भाजक होता था वो आधार से छोटा होता था, और इसमें भाजक होगा वो आधार से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, विधि दोनों सेम है। निखिलम विधि में हम आधार में से संख्या माइनस करके पूरक संख्या निकालते थे, इसमें हम संख्या से आधार को माइनस करके विचलन निकालेंगे, विचलन से प्रावर्तित अंक निकाल लेंगे, और उसके बाद जो निखिलम विधि है वही विधि सेम प्रावर्त्य आयोजित है, आगे की प्रोसेस दोनों में सेम होगी। चलो देखते हैं क्या परिवर्तन है और क्या सेम है। देखो जो भाजक है वो 100 के निकट है, यानी कि हमें ये देखना है कि भाजक है वो 10,000 में किसके निकट है, वही हमें आधार लेना है। तो ये 103 है वो 100 के निकट है, तो आधार क्या होगा, 100 हो जाएगा। विचलन, विचलन क्या होगा, संख्या माइनस आधार, तो विचलन क्या हो जाएगा, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, तो 103 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 03। ये ध्यान रखना है, जैसे 103 माइनस 100 करेंगे तो 3 आ रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आधार में जितनी संख्याएं उतनी ही संख्याएं विचलन में होनी चाहिए, तो 3 आ रहा है तो एक संख्या कम है तो वहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर वही निखिलम की तरह हमें 3 कॉलम बनाने हैं, पहले कॉलम में संख्या, नीचे लिखेंगे विचलन, अब लिखेंगे प्रावर्तित अंक, प्रावर्तित अंक प्रावर्तित अंक प्रावर्तित अंक मतलब इन अंकों पे विन कूलम बार लगा देंगे। विन कूलम बार का मतलब होता है कि जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस में है वो प्लस हो जाएंगे, यानी ये प्लस में है तो ये अंक क्या हो गए, माइनस में हो जाएंगे, -3 और -0। अब देखना है कि आधार में कितने 0 हैं, उतने अंक तो जो भाज्य है उसके शेषफल वाले कॉलम में रखेंगे, बचे हुए अंक भागफल वाले कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ 2 0 हैं आधार में, तो 2 अंक तो हम तीसरे कॉलम में रखेंगे, 5 और 4, बचे हुए अंक भागफल वाले कॉलम, बीच वाले कॉलम में रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहला अंक है वो एज इट इज जैसा के तैसा उतार लेना है, उस अंक को प्रावर्तित अंकों से गुणा करो और आगे लिख दो। 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, विन कूलम बार है विन कूलम बार लगा दें, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 को फिर 0 से करेंगे 0, 1 को 3 से करेंगे 3। अभी आगे लास्ट संख्या जब तक ना हो, एंड ना आ जाए, लास्ट संख्या के नीचे जब तक संख्या ना आ जाए तब तक हम ये गुणा की प्रोसेस जारी रखेंगे। लास्ट संख्या के नीचे जब संख्या आ जाती है वहीं पे हम गुणा की जो प्रोसेस है उसको बंद कर देते हैं। तो अभी 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 -0 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, शेषफल हो जाएगा जिसे हम रिमाइंडर बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा अपना, भागफल हो जाएगा जिसे हम कोसेंट बोल देते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरे एग्जांपल में है 1358 भाग 113। इसमें क्या देखना है, आधार देखना है, आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा 113 किसके निकट होंगे, 10 की घात में 100 के निकट, 100 हो जाएगा। विचलन, संख्या माइनस आधार, तो विचलन होगा 113 माइनस 100
13, अभी वही 3 कॉलम, पहले कॉलम में संख्या, उसके नीचे विचलन, फिर प्रावर्तित अंक या परिवर्तित अंक, वर्तित अंक, परिवर्तित अंक जो संख्या है उन पे विनकुलम बार लगा देंगे यानी माइनस में कर देंगे। तो 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 3 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है आधार में कितने जीरो हैं, उतने अंक तो थर्ड कॉलम में, बचे हुए अंक बीच वाले में 5, 8, और बीच वाले कॉलम में रह जाएंगे 1 और 3। ठीक है, पहला अंक एज इट इज 1 ले लिया, 1 को प्रावर्तित अंकों से गुणा करेंगे, नीचे लिखेंगे 1 × 1 1 हो गया, 1 × 3 3 हो जाएगा। अब 3 − 1 2, 2 को प्रावर्तित अंकों से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 माइनस का, और 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएंगे माइनस के। अब 6 − 8 2, अब 5 प्लस के हैं और 3 + 2 5 ही माइनस के हो गए तो 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना शेषफल रिमाइंडर, और ये हो जाएगा कोसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 4 8 8 5 भाग 1 2 3। इसमें देखो आधार वही है 100, आधार हो जाएगा 100, विचलन विचलन होगा संख्या माइनस आधार, 123 − 100 23, 3 कॉलम बना लेंगे, पहले कॉलम में संख्या, फिर विचलन, उसके बाद प्रावर्तित अंक, वर्तित अंक, प्रावर्तित अंक विनकुलम बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो −2 − 3। अब वही आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक यहाँ रखेंगे भाज्य के, और बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम में रख देंगे। तो 8 5 दो अंक तो यहाँ रखेंगे लास्ट के, और बीच वाले में 1 4 8 आ जाएगा। वही प्रोसेस, फर्स्ट डिजिट जो है वो एज इट इज रखेंगे जैसे का तैसे, तो 1 एज इट इज रखेंगे नीचे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे गुणा की प्रोसेस, 1 × 2 2 2 − 1 × 3 3 − अब सेकंड कॉलम 4 − 2 2 हो जाएगा, 2 को फिर प्रावर्तित अंकों से गुणा करके लिखेंगे 2 × 2 4 हो जाएंगे माइनस के, और 2 × 3 6 हो जाएंगे माइनस। अब देखो 8 − 3 और 4 7, 8 − 7 1 हो जाएगा। अब 1 को फिर प्रावर्तित अंकों से गुणा करेंगे 1 × 2 2 हो जाएगा, और 1 × 3 3 हो जाएगा, माइनस के हैं दोनों तो 5 − 3 2 हो जाएगा, और 8 − 6 + 2 माइनस के 8 और माइनस प्लस के 8 हो गए तो 0 हो गया। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कोसेंट, ये तो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। अभी देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है 1 3 3 5 8 5, 1 3 3 8 5 भाग 1 3 1। आधार इसमें क्या होगा 100 हो जाएगा, विचलन विचलन होगा संख्या माइनस आधार या भाजक माइनस आधार, तो 131 − 100 31, 3 कॉलम बना लो, पहले कॉलम में संख्या, उसके नीचे विचलन, फिर प्रावर्तित अंक, प्रावर्तित अंक, तो ये हो जाएगा −3 और −1। ठीक है, अब देखो आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक लास्ट कॉलम में, 8
फाइव, और बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम में 1 3 3। फर्स्ट अंक हम एज इट इज उतारेंगे, 1 आ जाएगा। 1 को प्रावर्तित अंकों से गुणा करके लिखेंगे, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो गया माइनस का, 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। अब 3 माइनस 3 0, फिर 0 को करेंगे प्रावर्तित अंकों से तो 0 आना है, 0। अब 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 माइनस का 3 हो गया, और 2 इंटू 1 माइनस का 1। अब 5 माइनस 1 4, और 8 माइनस 3 5, तो ये तो हो गया अपना कोसेंट, सॉरी रिमाइंडर, और ये हो जाएगा अपना कोसेंट। ठीक है, 1 2 4 8 3 5, में भाग देना है 1 1 2 1, 1 1 2 1। अब देखो इसमें आधार क्या होगा, 1000 होगा। आधार क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि ये 1121 हैं, 1000 के निकट हैं। विचलन, विचलन हो जाएगा भाजक माइनस आधार, तो होगा 1 2 1। देखो आधार में 3 जीरो हैं, 3 अंक हैं, अभी वही 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में संख्या जो भाजक में है वो संख्या, फिर नीचे विचलन, और उसके बाद प्रावर्तित अंक, वर्तित अंक, विनकुलम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आधार में 3 जीरो हैं, तो 3 संख्याएं तो शेषफल वाले कॉलम में रखेंगे, और बची हुई संख्याएं बीच वाले कॉलम में रखें। देखो पहली संख्या एज इट इज जैसी है वैसी 1 उतार दिया, 1 को प्रावर्तित अंकों से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे 1 आ गया, 2 से करेंगे 2, फिर 1 से करेंगे 1। अभी देखो 2 माइनस 1 1, 1 को करेंगे प्रावर्तित अंकों से गुणा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा माइनस का, फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो 4 माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 हो गया 4 प्लस के हो गए तो 1 हो गया। अब 1 को फिर वही प्रावर्तित अंकों से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 हो गया माइनस का, 1 इंटू 2 2 माइनस का, और 1 इंटू 1 1 माइनस का, आखिरी अंक तक आ गया। तो आखिरी अंक तक आ गया तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 3 0, और 8 माइनस माइनस के कितने हो गए, 1 और 2 और 1 4 हो गया, 8 माइनस 4 4। अभी देखो ये तो हो गया अपना रिमाइंडर, शेषफल हो गया, और ये हो गया अपना भागफल यानी कोसेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अगला एग्जांपल है अपना 244683, अगला एग्जांपल है 244683, भाग देना है इसमें 1112। ठीक है, भाग देना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आधार, आधार ये किसके निकट होगा 1000। विचलन क्या होगा, विचलन हो जाएगा भाजक माइनस आधार, तो क्या हो जाएगा 112। प्रावर्तित अंक चलो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, देखो 1112 विचलन, 112 प्रावर्तित अंक, वर्तित अंक माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब आधार में 3 जीरो हैं, तो 3 अंक तो शेषफल वाले कॉलम में, बचे हुए बीच वाले कॉलम में। पहली फर्स्ट संख्या एज इट इज 2, फिर 2 को
परावर्तित अंकों से गुणा करेंगे तो 2 2 फिर 2 × 2 4। अभी देखो 4 − 2 2 हो गया, अब फिर से 2 को 1 से ये कॉलम हो गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 हो गया, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। थर्ड कॉलम 4 − 4 प्लस के हैं और 4 ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा 0। अब 0 को इससे करेंगे 0 0 और 0, ठीक है, लास्ट डिजिट तक आ गया तो अब माइनस करेंगे 3 − 0 3, 4 − 8 − 4 4, 6 − 4 और माइनस के 6 हो गए और प्लस के 6 हो गए तो 0, यानी 43 तो हो गया अपना रिमाइंडर, और 2 2 0 2 2 0 ये हो गया अपना कोसेंट। ठीक है बच्चों, तो प्रावर्तित योजित विधि में मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं है, और जितने चाहो एग्जांपल ले सकते हो, मेथड यही है। निखिलम और प्रावर्तित योजित मेथड सेम है, बस उसमें क्या करना है पूरक अंक लेना है यहाँ पे, और इसमें विचलन लेकर उसका प्रावर्तित अंक लेना है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्वजांक विधि से भागफल देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।